हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बस वीर सावरकर की कलेक्शंस ने तो यार कल के दिन पे कमाल कर दिया है। और ये कमाल कैसे हुआ है, ऑक्यूपेंसीज इतनी हाई क्यों गई हैं, और आज के दिन से ही एक बड़ा धमाका क्यों हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखो। देखो भैया, सबसे पहले तो अभी इस समय पे हमारे बिल्कुल आउट ऑफ माइंड हो गया था कि भाई आज भी छुट्टी है, गुड फ्राइडे की आज भी छुट्टी है, तो ये एक एक्सटेंडेड वीकेंड एक और आ चुका है आपके सामने। और इसीलिए कल की जो ऑक्यूपेंसीज है ना, नाइट ऑक्यूपेंसीज कमाल हो गया। मैं तो 1 करोड़ हम लोग कहां प्रिडिक्ट कर रहे थे कि 1 करोड़ तक शायद पहुंच ही जाएगी, उसको तो बहुत इजीली क्रॉस कर चुकी है कल के दिन पे। तो भाई अब देखो जंप ही जंप आएगा आज कल और परसों, 3 दिनों तक एक अच्छा जंप हम देखेंगे इस फिल्म की कलेक्शंस में। लेकिन कल का फाइनल नंबर क्या रहा पहले वो सुनते जाओ। मॉर्निंग शोज 10.5% की ऑक्यूपेंसी थी, आफ्टरनून 12%, और मैं ये सोचती जा रही थी कि ये इतनी ऑक्यूपेंसी बढ़ कैसे रही है। सुबह सुबह आज देखा है तो पता चला कि गुड फ्राइडे की आज छुट्टी है, तो आफ्टरनून शोज 12%, इवनिंग शोज में 16.4% की ऑक्यूपेंसी गई, और नाइट शोज में ब्रेस योरसेल्फ 24% की ऑक्यूपेंसी नाइट शोज में जानी स्टार्ट हो गई। विच मींस कि अगर कल रात से ही ये चढ़नी शुरू हो गई है तो ये आज कल और परसों बहुत ही अच्छी कलेक्शन करने वाली है फिल्म। यार रणदीप हुड्डा, वैसे भी मैं तो एज अ व्यूअर बोलूंगी कि ये बंदे ये डिजर्व करते हैं यार, कब से ये बहुत मेहनत करते हैं हर एक फिल्म के लिए। इनका ट्रांसफॉर्मेशन देखने लायक होता है, चाहे वो कोई भी फिल्म इनकी आप उठा के देख लो। सरबजीत में आपको याद होगा इनका ट्रांसफॉर्मेशन कितना जबरदस्त था, अभी वीर सावरकर में भी इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से वेट लॉस किया है, काफी कुछ अपना मेहनत करिए काम किया है अपने रोल के ऊपर, और क्या बखूबी तरीके से निभाया है। ठीक है, तो बात करेंगे अब हम लोग कि एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्या शो काउंट्स में कोई रिडक्शन तो नहीं आया है, क्योंकि आज फिल्म रिलीज हुई है कोई और। तो मुंबई में भी 361 शोज हैं, बढ़े हुए शोज हैं ये। दिल्ली एनसीआर 227 शोज हैं, पुणे 175 शोज हैं, हैदराबाद 42 शोज हैं, अहमदाबाद 129 शोज हैं। तो शो काउंट्स कहने का मतलब यह है कि ठीक है, बिल्कुल भी रिडक्शन आया नहीं है। और अगर बात की जाए टोटल नंबर की, तो भाई कल डे नंबर 7 पर टोटल कलेक्शन जो थी वो रही 1.15 करोड़ की। पूरे इस हफ्ते में अगर हम देखें, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, ये 3 दिन है जिन दिनों में वर्किंग डे था, तो 1 करोड़ 1 करोड़ के अबव की कलेक्शन जो है वो गई है, डिस्पाइट द फैक्ट कि भाई फिल्म का कोई प्रमोशन ही नहीं हो रहा था, ज्यादा फिल्म के बारे में बात ही नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी इसकी कलेक्शन बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग होल्ड पे रही। और इसी के साथ टोटल इंटरनेट कलेक्शन हो गई है 11.35 करोड़, 11 करोड़ तो कल ही हो गई थी जो मैंने आपको बताई थी। तो अब अगर हम बात करें आज की डे नंबर 8 की, आज क्या कुछ हो सकता है, देखो एक बड़ा जंप आज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर 1 करोड़ कल वर्किंग डे पर गया है इन दो तीन दिनों में, तो हम ये मान सकते हैं आज के दिन पर 1.5 के अबव तो जाएगी, 1.7 1.8 तक आज मैं प्रिडिक्शन करूंगी। और मैं अभी भी ज्यादा बड़ी प्रिडिक्शन इसलिए नहीं कर रही हूं क्योंकि बढ़ने में भी थोड़ा चढ़ने में भी टाइम लगता है, और कल के दिन पर हम देख पाएंगे। अगर आज 1.8 तक कर लेना तो कल 2 करोड़ तक क्रॉस करेगी फिल्म। लेकिन बहुत 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 बढ़िया बात है कि बहुत ही जल्दी अब अपने बजट को रिकवर करके प्रॉफिट में आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है वीर सावरकर की कलेक्शन सुनने के बाद, आपका क्या रिएक्शन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, व्हिच इज कॉल्ड स्टोर फंक्शन।